सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल News31 उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बागेश्वर कांग्रेस कमेटी की ओर से भाजपा सरकार के विरोध में स्टेट बैंक तिराहे पर पुतला फूंका गया। उनका कहना है कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों पर झूठे मुकदमे लिखने के संबंध में उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस के पदाधिकारियों पर झूठे आरोप लगा रही है। वहीं डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों का भी उन्होंने विरोध किया। सर, आज आपने पुतला दहन किया है, ये पुतला दहन सरकार का क्यों किया गया है और 144 में लगाई गई है, फिर भी आपने किया है क्या? देखिए, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हो रहे हैं और पिछले 15-20 दिनों से इस देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दाम कम हो रहे हैं उसका लाभ आम उपभोक्ताओं को दिया जाए। सरकार ने लाभ आम उपभोक्ताओं को देने की जगह लगातार दाम बढ़ाए, अब उसका असर हो रहा है। एक तरह COVID-19 के गया अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे। उसी के विरोध में प्रतिपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में देहरादून में और सभी जिलों में प्रदर्शन किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ जनों के खिलाफ भाजपा सरकार ने, त्रिपेंद्र सरकार ने झूठे मुकदमे दायर किए। उन झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग है और पेट्रोल और डीजल के दामों में जनता को राहत देने के लिए हमने यहां पर प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा जिले के अंदर भी, उत्तराखंड के विभिन्न स्तरों में, उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य हिस्सों में मीडिया लगातार जनता के दुख और दर्द को बयान कर रही है और उनके ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि प्रधानमंत्री का जो एडॉप्टेड गांव है, सांसद के कारण उस गांव की हमारी एक मीडिया कर्मी ने एक रिपोर्ट की थी किस तरह से वहाँ भुखमरी हो रही है, उसके खिलाफ भी यूपी सरकार में झूठे मुकदमे दायर कर दिए हैं। तो ये एक तरह से जनता की आवाज़ को दबाने की साजिश है, चाहे वो राजनीतिक कर्मी हो, सामाजिक कर्मी हो या मीडिया के द्वारा जनता के दुर्दर्द को जहाँ भी उठाया है, जो भी आवाज़ को उठा रहा है, आप उसको महामारी के नाम पर कोविड की आड़ में उन आवाज़ों को दबा रहे हैं। जो ये यहाँ पर चौराहे पर जो पुतला दहन का कार्यक्रम था, कल हमारे कांग्रेस के नेतृत्व, कांग्रेस नेतृत्व माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने कि जो वर्तमान समय में डीजल और पेट्रोल के दामों को नियंत्रित करो, उसको कम करो के लिए एक रैली निकाली थी। लेकिन इस जो प्रदेश में बैठी सरकार है, वो सरकार आज लोकतंत्र में जो प्रजातंत्र का एक जो जरिया है, जो एक हमारा हथियार है, हम क्या कर सकते हैं? यही तो कर सकते हैं भाई, धरना प्रदर्शन करके अपनी बात को कर सकते हैं। लेकिन उनके खिलाफ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करके, हम इन फर्जी मुकदमे से डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है, हमने इस देश को आज़ादी दिला रही है, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है। जेल जाना तो हमारे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे तमाम नेता जो बुजुर्ग जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो सालों साल जेल रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल News31 उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।